फिल्मों में काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, किसे मिलना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मुंबई जाना ज़रूरी है, लेकिन हमारा कोई रिश्तेदार वहाँ पर नहीं रहता है, मैं वहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ, तो मैं वहाँ पर जाकर किसको मिलूँगा सर, कहाँ रहूँगा। अच्छा, ये ऑडिशंस कहाँ पर हो रहे हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा। एक्चुअली हम एक लड़की है सर, तो मुंबई लड़कियों के लिए सेफ है क्या। अच्छा, ये आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है, ये आर्टिस्ट कार्ड होना ज़रूरी है क्या एक्टिंग करने के लिए। अच्छा, हम बहुत अच्छी एक्टिंग करेंगे तो हमको 100% फिल्मों में काम मिल जाएगा क्या, ऐसा ही होता है क्या। अच्छा लास्ट, ये फिल्मों में जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है क्या। ये सारे सवाल आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, तो आज के वीडियो में हम ये सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं, जानेंगे कि ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है फिल्म्स और सीरियल्स तक पहुंचने का। तो शुरू करते हैं आज की बातें। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जिजिल्स पर बहुत स्वागत है। एक्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक शांत जगह पर बैठ जाओ और खुद को एक सवाल करो कि एक्टर बनना ही क्यों है। खुद को ही जवाब देना है, तो सही जवाब देने की, सच्चा जवाब देने की पूरी कोशिश करना। दो तरीके के रीजन्स आपको मिलेंगे। पहला तो ये कि मैं अंदर से एक्टर हूँ, एक्टिंग मेरा हुनर है, मैं ये काम अच्छे से जानता हूँ, मैं इसमें माहिर हूँ, इसलिए मुझे एक्टर बनना है। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें कुछ इस तरीके के रीजन्स होंगे, लाइक मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद है तो मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, मुझे नेम फेम चाहिए, मैं चाहता हूँ कि दुनिया मेरे आगे पीछे घूमे, मीडिया मुझे फॉलो करे, इसलिए मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, इसलिए मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग जगह पर घूमूँ प्रोडक्शन के पैसों पर, इसलिए मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। अगर आपका पहले वाला रीज़न है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, ये आपका सही डिसीजन है। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हो, तो पर्सनल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप छोड़ दो, ये आप मस्ती में मजाक में अभी ये सब चीज़ों को ले रहे हो, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। और मुंबई जाने के बाद या तो फिर किसी भी जगह पर जाने के बाद आप दो दिन भी टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पर्दे के उस तरफ की दुनिया को देखा हुआ है, आपके दिमाग में वो इमेज बनी हुई है, वहाँ पर पर्दे की इस तरफ की दुनिया होती है जो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मानूंगा कि आप पहले वाली कैटेगरी में हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये बात करते हैं। तो देखो, ऐसा है कि अगर आप इसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपको आज नहीं तो कल मुंबई तो जाना ही पड़ेगा। अब जितना जल्दी जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन तोड़ फाड़ के जाने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी में कोई स्टेप मत लेना। मुंबई जाने से पहले आपको कुछ प्री प्लान्स करने पड़ेंगे, मैं आपको सारे स्टेप वन बाय वन बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। ये ऐसी बातें हैं सारी जो आपको वहाँ पर जाने के बाद एक्चुअली पता चलती है, लेकिन मैं आपको सब कुछ एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आप पहले से मेंटली और बाकी हर तरीके से रेडी होकर जाए, ताकि आपको मुसीबत थोड़ी सी कम झेलनी पड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। तो कम से कम, देखो यहाँ पर मैं आपको जो भी बातें बताऊँगा वो कम से कम वाली बातें होगी, ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उड़ा सकते हो अगर आपके पास है। तो कम से कम आपके पास 6 महीने तक आप मुंबई में रह सको, सर्वाइव कर सको, उतने पैसे रखना, घर से लेके जाना। रखने का मतलब ये है, आगे वहाँ पर जाकर आप कुछ करोगे तो वो बात अलग है, वो हम आगे बात करेंगे, कितना खर्चा होगा वो भी हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि अपने आप को ठीक से पॉलिश करके जाना, आपका जो हुनर है एक्टिंग का, डांस का, फाइट का, जो भी है उसको ठीक से पॉलिश करके जाना। युद्ध में जा रहे हो तो हथियार को सही तरीके से रेडी करके जाना, ताकि आप वहाँ पर जाकर सीधा लड़ सको। दूसरी बात ये कि आपकी जो भी प्रोफाइल है, आपने छोटा बड़ा जो कुछ भी काम किया है उसकी एक प्रोफाइल बना के जाना, ताकि आप वहाँ पर जाकर सीधा किसी को दिखा सके। अगर कोई आपको पूछे कि आपने क्या काम किया हुआ है, तो आप दिखा सकते हो कि ये मैंने काम किया है। एक्टिंग के साथ साथ आपको कुछ और भी प्लान्स करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका फिजिक, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है ना, कम से कम उतना तो मेंटेन करके ही जाना। हाँ, वहाँ पर जाके आपका क्या टारगेट है आपको पता होगा, आप अपने आप को हीरो देखते हो, एक विलन के किरदार में देखते हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना चाहते हो, जो भी है उस हिसाब से वो क्राइटेरिया चेंज होता रहेगा बॉडी का, लेकिन एक मिनिमम फिजिक जो कहते हैं उतना तो मेंटेन करके ही जाना। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रेसेस की, अपने साथ कुछ फॉर्मल, कुछ ट्रेडिशनल, कैजुअल जूते, उस हिसाब से ये सब अपने साथ कैरी करके जाना, आपको ऑडिशंस में ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर आपको वहाँ पर इस फील्ड में कोई जानता है, दोस्त कोई भी कोई जानता है, तो
उनको पहले से इन्फॉर्म करके जाओ कि मैं कुछ दिनों के बाद मुंबई में शिफ्ट होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, तो मैं वहाँ पर आपको मिलूँगा, आप मुझे थोड़ा सा गाइड ज़रूर करना। ये पहले से उनको इन्फॉर्म करो, और अगर वो हाँ बोलते हैं तो एक लिस्ट बनाओ उनके कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस के साथ, कागज़ में या तो फिर मोबाइल में, जो भी है, लेकिन कागज़ में बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आप कहाँ पर रहोगे, तो अगर आपका कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, तो आप उन्हें बताओ कि मैं वहाँ पर थोड़े दिन रहूँगा जब तक मेरा कहीं और सेट नहीं होता, तो ये भी पहले से बात करके जाओ। तो ये सारी कुछ तैयारी है, उसके बाद आप मुंबई के लिए निकल सकते हो। अब मुंबई आने के बाद क्या करना है, जिन लोगों के कोई दोस्त या रिश्तेदार मुंबई में नहीं रहते हैं, या फिर जो लोग कोई भी जगह फिक्स करके नहीं आए हैं कि वो लोग कहाँ रहेंगे, तो टेम्पररी वो लोग होटल में चेक इन कर सकते हैं। अगर होटल अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई गेस्ट हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई डॉर्मेट्रीज, उतना तो करना ही पड़ेगा, उससे नीचे नहीं जा सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ पैसा तो हाथ में रखना ही पड़ेगा। रूम मिलने के बाद, रूम का सेटिंग होने के बाद, उसी दिन से काम करना शुरू करना होगा। सबसे पहले उन सभी को कॉल करो जिनको आप पहले से बात करके आए थे, आपके जो जानने वाले थे इस फील्ड के, उनको बताओ कि मैं मुंबई में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, आप कब मिलोगे। जो भी डेट्स टाइम आपको बताएंगे वो उस हिसाब से आपका लिस्ट बनाते जाइए। यहाँ मुंबई में आने के बाद आपका सबसे पहला काम रहेगा कॉन्टैक्ट्स बनाना। जितने ज़्यादा लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे, या तो फिर जितने ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है, जितने भी छोटे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है, सीरियल्स के, फिल्म्स के, सबका लिस्ट बनाओ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और एरिया वाइज लिस्ट बनाना। आप किसी एक दिन में एक एरिया को पकड़ सकते हो, जहाँ पर भी जाओगे आसपास में जितने प्रोडक्शन हाउस है सबकी विजिट करो, वहाँ पर जाकर कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने की कोशिश करो, अगर नहीं मिलते हैं तो उनको पूछो कि उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के ऑडिशन कब होने वाला है। जो भी डिटेल्स आपको देंगे वो सब कुछ एक डायरी में नोट करो। बार बार डायरी इसलिए बोल रहा हूँ, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि डायरी में कौन से ज़माने में नोट कर लेते, इसलिए ऐसा है भाई, क्या है कि एक दिन का प्रोसेस है नहीं, आप पूरा महीना मेहनत करोगे, सब कुछ डिटेल्स इकट्ठा करोगे, मोबाइल में टाइप करोगे, अगर कुछ हो गया, मोबाइल गिर गया, टूट गया, चोरी हो गया, तो ज़ीरो पे आ जाओगे, फिर से सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेटर है एक डायरी और एक पेन अपने साथ रखो। और एक बात, जब आप ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस की विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको आपके जैसे लोग भी मिलेंगे जो बाहर से आए होंगे, तो उनसे बात करो, दोस्ती करो, उनको भी बताओ कि अगर आपके पास कोई ऑडिशन अपडेट्स रहेगी तो मुझे शेयर कर देना, मैं यहाँ पर नया हूँ या नई हूँ। तो ऐसे करते करते आपका धीरे धीरे ग्रुप बढ़ता जाएगा। क्या है कि मुंबई में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं ऑडिशंस को लेके, तो ऐसे ग्रुप्स के अंदर शामिल हो जाओ, आपको रेगुलरली डे टू डे अपडेट मिलता रहेगा कि कहाँ पर कौन सा ऑडिशन चल रहे हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके होगा, धीरे धीरे करके आपका जो दोस्तों का ग्रुप है वो बढ़ता जाएगा, आपका सर्कल बड़ा होता जाएगा। मुंबई में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जैसे कि माड़ा, फोर बंगलोज, मलाड वेस्ट, ओशीवारा, आदर्श नगर, यहाँ पर कोई ना कोई ऑडिशन चल ही रहे होंगे। तो जब भी आपके पास कोई भी अपडेट ना हो ऑडिशन के, उस दिन ऐसे जगह पर चले जाना, आपको कोई ना कोई ऑडिशन ज़रूर मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको आपके ऐसे लोग मिलेंगे, मिलते रहो, सर्कल बढ़ाते रहो। इन शॉर्ट, आपको एक महीने के अंदर आपका पूरा ग्राउंड रेडी कर देना है, उसके बाद आपका काम स्मूथ होना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि कल कौन से ऑडिशन कौन सी जगह पर किन किन प्रोजेक्ट के लिए होने वाला है। सुबह उठ के आप पूरा शेड्यूल बना सकते हो कि मुझे आज कहाँ कहाँ पर जाना है, क्योंकि ऑडिशंस में रिक्वायरमेंट भी होगी। अगर आपको लगता है कि ये रिक्वायरमेंट में मैं फ़िट हूँ, ये ऑडिशन मेरे लिए है, तो आप वहाँ पर जाने के लिए डिसाइड करो। सबसे पहले कहाँ जाओगे, बाद में कहाँ जाओगे, ये भी फिक्स करो, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी मत भागना, आपका टाइम भागने में ही निकल जाएगा, ट्रैफिक इतना होता है। कुछ कुछ ऑडिशंस में ये भी मेंशन किया रहेगा कि आपको वहाँ पर किस तरीके के कपड़े पहन के जाना है, कौन से कलर के कपड़े पहन के जाना है, मेकअप के साथ जाना है कि विदाउट मेकअप जाना है। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से प्रिपरेशन करके जाओ, जो भी कपड़े जूते आप अपने बैग में लेकर जा सकते हो। कुछ ऑडिशंस देने के बाद आपको ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस पता चल जाएगी मुंबई के ऑडिशंस के, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके घर से वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है, यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है, तो उस हिसाब से आप फ्यूचर में आपके शेड्यूल प्लान कर सकते हो। आपको ऑडिशंस देते रहना है, रिजेक्शन आए तो मायूस नहीं होना है। एक बात मान लो कि आप चाहे कितना भी अच्छा एक्ट कर लो, रिजेक्शन तो मिलने ही मिलने हैं। क्या है कि कुछ लोगों का 2-3 ऑडिशन में काम हो जाता है, कुछ लोगों का 200-300 में होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि 200-300 वाले को एक्टिंग नहीं आती है। ओके, देन आज की बातें यही तक रखते हैं, लेकिन ये टॉपिक अभी आधा है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मुंबई आने के बाद किन किन लोगों से बचना है, किन किन लोगों से दूर रहना है,
खास करके पैसों के मामले में। आपको ये लोग कई बार मिल जाएंगे, कई जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन आपको बच के रहना है। जो लोग बाहर से आते हैं और स्पेशली इसी फील्ड के लिए आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, उनको ये पता होना ज़रूरी है। होते हैं कुछ लोग जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को, पूरे मुंबई को बदनाम होना पड़ता है, बट जो भी हो आपको उनसे बच के रहना है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसके अलावा आप मुंबई में और क्या काम कर सकते हो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, जिसकी वजह से आपको घर से पैसे ना मंगवाने पड़े, आप फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो। ऐसे कौन से काम हैं, ये बात भी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द इसी वीडियो के पार्ट 2 में। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।